इमरान मसूद हमारे साथ है, फिलहाल कांग्रेस में है, आगे का क्या बात? नहीं नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही हूँ और कांग्रेस में ही रहूंगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन बातें चल रही हैं कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, ये लगभग तय हो चुकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं हुई किसी से। देखिए, हमें हमारा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य ये है कि हमें 2024 में राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाए बिना संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, सरकार को हटाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबको मिलजुल करके प्रयास करने होंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। लेकिन ये कहा जाता है ना, कहावत भी है कि बिना आग के तो धुआं होता नहीं है। इतनी लंबी चर्चा हो रही है कि इमरान मसूद अपने कुछ समर्थकों के साथ, समर्थक विधायकों के साथ, अखिलेश यादव के साथ जाने का मन बना चुके हैं, तो वो कहाँ से आ रही है? नहीं, मैं अभी भी AIC से जा रहा हूँ, राहुल जी का प्रोग्राम में वहाँ जा रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, हम ढकी छुपी हुई बात नहीं करता हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए बिना देश के अंदर सरकार बदलना संभव नहीं है। कैसे होगा? समाजवादी पार्टी अभी सबसे बड़ी पार्टी, आपने पहले भी कहा था, अभी भी है, तो हटाने के लिए तो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाना होगा ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से जाना होगा, ये बिल्कुल जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी को भी दिल बड़ा कर करके सबको साथ लेना चाहिए। और मेरे ना कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी छोटी पार्टी है तो छोटी पार्टी नहीं हो जाएगी, वो बड़ी पार्टी है तो बड़ी रहेगी। तो क्या है, अगर कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है, जो कि अभी तक जो प्रियंका गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, तो ऐसी हालत में क्या प्रियंका जी के, क्योंकि मैंने अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की है, प्रियंका जी ने क्या फैसला किया, क्योंकि नेता वो हमारी हैं और जो फैसला वो लेंगी मानना हमें वही पड़ेगा। हम अपनी राय दे सकते हैं, मैं अपनी राय सार्वजनिक रूप से इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग कम से कम कल को इस बात के दोषी और गुनाहगार ना हो कि हमने वक्त रहते चेताने का काम नहीं किया, वक्त रहते बताने का काम नहीं किया। तो अगर नहीं होता है गठबंधन, तो आपके पास एक तरीके से मजबूरी होगी समाजवादी की तरफ जाने की? नहीं नहीं, मेरे पास मजबूरी क्या होगी क्या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी नेता प्रियंका गांधी, चूँकि देश के अंदर बहुत बड़ा चेहरा है, और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर लोग उनको मोहब्बत करते हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश की ऐसी है कि उनको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। क्या आपके हिसाब से जो अभी स्थितियाँ बन रही हैं उसमें इमरान मसूद और उनके समर्थक हाथ के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे या साइकिल पर? नहीं, हाथ के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, हाथ के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ना है हमको, उसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन हमें, हमारा कहना बार बार ये है कि ऐसा परिस्थिति मत हो जाए, ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि पता चला ना खुदा विला ना विशाल सनम, ना तो हम 2022 में कुछ कर पाएँ ना फिर 2024 में कुछ कर पाएँ। तो विशाल सनम के लिए साइकिल थामनी पड़ सकती है? नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ को साइकिल से मत जोड़ कर देखिए, हम राजनीतिक हालात और राजनीतिक परिस्थितियाँ जिस तरफ इशारा करती है, मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब बिल्कुल आप इमरान मसूद आज तक को बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, मैं समाजवादी, मेरी बात ही नहीं हुई थी, आप एक बात बताइए, चर्चा होगी, बात होगी, तभी तो कुछ होगा, मेरी तो बात ही नहीं हुई है, मैं अभी भी AICC में राहुल जी का कार्यक्रम है उसमें जा रहा हूँ। तो लेकिन अगर आने वाले दिनों में इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को थामते हैं, तो ये बात तो मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि आपने इनकार किया था, फिर ये इकरार कैसे हो? देखिए, राजनीति के अंदर परमानेंट मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं होता है, परिस्थिति और हालात आदमी को बहुत सारी चीज़ें करने पर मजबूर करती हैं। मेरा रिश्ता राहुल गांधी के साथ, गांधी फैमिली के साथ बहुत प्रगाढ़ है, और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरा रिश्ता उस फैमिली के साथ किसी भी सूरत में मेरा रिश्ता ख़राब हो। अच्छा, आखिरी सवाल, अभी राहुल गांधी से आप कह रहे हैं कि मिलने जा रहे हैं, कोई सजेशन, कोई सुझाव उनको अपनी तरफ से देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, अभी की परिस्थिति में क्या सुझाव देंगे? देखिए, मेरा पहला ही सुझाव यही है, मैंने जो बार बार बोल रहा हूँ कि सबको, हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी दिल बड़ा करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलें, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं एक बात के अलावा दूसरी बात कोई कह ही नहीं रहा हूँ। तो अभी आप जा रहे हैं, बोलेंगे समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लीजिए? नहीं नहीं, मैं तो ये बात पहले बोल चुका हूँ, ये अभी बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं तो बोल चुका हूँ इस बारे में।
इस बारे में खुलकर के बोल चुका हूँ, पार्टी के अंदर भी राय रख चुका हूँ और पार्टी के बाहर फोरम पे मीडिया के अंदर राय इसलिए रख रहा हूँ कि ये लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि हमने बहुत प्रयास किया और कर रहे हैं। और अगर सफल नहीं हुआ तो मजबूरी आपकी, पता नहीं फिर तो अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। चलिए, तो क्या काल के गाल में छुपा हुआ है, भविष्य में क्या होगा ये अभी कमिट नहीं कर रहे हैं इमरान मसूद, लेकिन कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावना अभी गठबंधन के लिए ये ज़्यादा कोशिश में लगे हैं, लेकिन गठबंधन अगर नहीं हुआ तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है।